एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि मैंने ऑर्डर किया था Flipkart से। प्रोडक्ट है बेबी बेड प्रोटेक्टर शीट। चलिए करते हैं उसको ओपन और मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। ये है हमारा मिमी की शीट। ये आपको मिलेगी चार साइजेस में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। मैंने स्मॉल पैक ऑर्डर किया है। चलिए करते हैं इसको ओपन और मैं दिखाती हूँ कि ये साइज में कितना है। देखिए ये इस टाइप की शीट है। ये है शीट की बैक साइड जो कि रबड़ है जो आपके बेड को इजीली प्रोटेक्ट करेगी। तो देखिए ये है मिमी की शीट। बैक साइड पूरा रबड़ है। बेसिकली आपका बच्चा पूरी रात जो यूरिन पास करता है वो ये जो रबड़ है, रबड़ बैक साइड में उसको ऑब्जर्व कर लेगा और आपके कॉट के मैट्रेस तक गीलेपन को जाने नहीं देगा। चलिए अब मैं इसकी फ्रंट साइड दिखाती हूँ। ये देखिए ये है फ्रंट साइड जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है आपके बच्चे की स्किन के लिए। और अगर बच्चा इस शीट को गीला करता है तो उसको गीलापन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ये इस शीट की क्वालिटी है कि ये अपने वेट से 8 times ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और देखिए ये कोई बहुत थिक भी नहीं है, बहुत ही पतली शीट है, इजी टू कैरी है। अगर आप किसी रिलेटिव एंड ऑल के घर जाते हैं आप इस शीट को लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये है स्मॉल साइज, जैसे कि आप इस पेपर में पढ़ सकते हैं 50x70 इसका साइज है। मीडियम साइज आपका आएगा 70x100, लार्ज साइज होगा 140x100 एंड एक्स्ट्रा लार्ज होगा 140x220 cm। तो ये जो स्मॉल साइज है ये मैं आपका सजेस्ट करती हूँ कि 3 महीने तक के बच्चे के लिए कंफर्टेबल होगा। बिकॉज क्या होता है, 4th महीने से बच्चा करवट लेना शुरू कर देता है। तो अगर रात को बच्चे ने करवट ले लिया वो इस शीट से बाहर निकल जाए, वो इस शीट से बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए अगर आप 3 महीने तक के बच्चे के लिए ले रहे हैं तो आप स्मॉल साइज लीजिए। अगर आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो आप जो है मीडियम साइज ले सकते हैं। मीडियम साइज आपका ऑलमोस्ट 1 year तक चलेगा। और रही बात प्राइस की, आपको ये सारी शॉपिंग वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट से लेके फर्स्ट क्राई तक। इसकी जो प्राइस है वो 200 rupees से स्टार्ट होता है और 1200 तक होता है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी ऑन दी ब्रांड। तो मैंने एक और प्रोडक्ट लिया था जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। ये भी है आपका बेबी शीट्स, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी इसीलिए मैंने मिमी की शीट्स ऑर्डर करी थी। देखिए इस टाइप का स्टफ था, प्लास्टिक स्टफ इसके अंदर और बीच में एक और लेयर थी। बट जब मैंने इनको वॉश किया तो बीच वाला लेयर बिल्कुल निकल गया। ऊपर ये टॉवल है, ये बहुत ही सॉफ्ट है बट जो बैक साइड थी वो इतनी सपोर्ट नहीं किया वॉश करने के बाद। ये है आपका येलो हिप्पो कंपनी का। ये अराउंड मैंने 50 या 60 rupees का एक पीस खरीदा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको परचेस मत कीजिए। अगर आपको परचेस करना है तो आप इस मिमी की शीट को परचेस कीजिए। ये क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और इजी टू कैरी भी रहेगी आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ये वाली शीट को फोल्ड करके दिखाती हूँ और देखते हैं कि ये खराब होगी या नहीं होगी। आप इसको जितना भी फोल्ड कर लीजिए, जिस तरीके से भी फोल्ड कर लीजिए, शीट बिल्कुल वैसे की वैसी ही रहेगी। चलिए मैं करती हूँ अब इसको फोल्ड। ये देखिए आप इसको इतना भी फोल्ड करके इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और देखिए कितनी लाइट वेट है। रही बात इसको वॉश करने की, तो आप इसको वार्म वाटर में वॉश कर सकते हैं बट इसको आप रब मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा बेबी आ चुका है। चलिए मैं उसको इस शीट में लेटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इस शीट को यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके आप अपने बच्चे को लेटा सकते हैं इसमें।
मेरा बच्चा अभी 3+ मंथ का है, अगर वो टर्न लेता है तब भी थोड़ी थोड़ी जगह है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मीडियम साइज ही ऑर्डर करें अगर आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो। तो आप सर से देख सकते हैं शीट में हमारी 3 इंच का स्पेस है और नीचे भी आप देख सकते हैं 2 इंच का स्पेस है। तो अगर आपका बच्चा करवट लेगा तो ये शीट छोटी होगी, इसीलिए आप 3 मंथ से अगर बच्चा आपका बड़ा है तो आप मीडियम साइज ही ऑर्डर करें। सो फ्रेंड्स, हम शीट को इस तरीके से भी बिछा सकते हैं, इस तरीके से बच्चे के पास, अगर बच्चा करवट भी लेता है तो उसके पास दोनों साइड इनफ स्पेस होगा करवट लेने के लिए और आपका बेड भी गीला नहीं होगा। तो इसको हम दोनों तरीके से बिछा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, फर्स्ट क्राई से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।